हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स वाला। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ग्राफ्स ऑफ मोशन लाइक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, फर्स्ट डिस्कस अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसके बाद हम लोग और डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए, तो हमारे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा कि हमारे सबसे पहले हमारा जो वीडियो डालेंगे तो वह आप तक पहुँचे, ठीक है? और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो भी डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग आज पढ़ेंगे ग्राफ्स ऑफ मोशन, ग्राफ्स ऑफ मोशन। मोशन के कितने टाइप के ग्राफ होते हैं, ठीक है? बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोगों को इस सिलेबस में पढ़ना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी को स्पीड टाइम ग्राफ भी बोल देते हैं नाइन्थ क्लास में, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड स्पीड एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है? तीन तरह के ग्राफ हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीज के बारे में, स्टी ग्राफ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, कुछ नहीं होता है, सिर्फ ग्राफ में आप लोगों को दिखाया जाएगा किस तरह, इस तरह दिखाई देगा, ठीक है? यहां पर दे देगा आप लोगों का टाइम, इस एक्स एक्सिस में आप लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हुए हैं नाइन्थ क्लास में, कोऑर्डिनेट सिस्टम है मैथमेटिक्स में। यहां पर हो जाएगा टाइम, सेकंड में दे देगा या आवर में दे देगा। यहां पर हो जाएगा आप लोगों का डिस्टेंस, को एस से डिनोट में कर दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट होता है, ठीक है? इसको मीटर में, जब ये सेकेंड में रहेगा तो ये मीटर में, और ये आवर में रहेगा तो ये किलोमीटर में, ठीक है? चलिए, तो इसमें कुछ नहीं होता है, सिंपल। सबसे पहली बात, मैं जितना लिखवा दिया वो आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, ठीक है? सबसे पहली बात कि इसका जो स्लोप होता है, ठीक है, बॉडी इस तरह, मतलब आप लोगों को ग्राफ में दिया रहेगा इस तरह चल रहा है, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पर वन है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर थ्री सेकेंड, फोर सेकेंड, फाइव सेकेंड, सिक्स सेकेंड, वन टू थ्री, ठीक है? और आप लोगों से पूछ लेगा कि यहाँ पर कितना उसका वेलोसिटी है, ठीक है? कितना वेलोसिटी है, क्या है, कितना वेलोसिटी, ठीक है? तो सिंपल क्या करिएगा, मैं ये थोड़ा अल्टर बना दिया हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? आप लोग इसको क्या बोलते हैं, उसको स्केल से बनाइएगा तो मतलब एकदम परफेक्ट बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इस तरह देखिएगा, यहाँ पर थ्री हो गया, यहाँ पर इसका स्लोप निकालना होता है। देखो, सबसे पहली बात, जो एस टी ग्राफ होता है, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एस टी ग्राफ गिव्स स्लोप ऑफ, हाँ, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है? इसका जो स्लोप निकालते हैं हम लोग यहां से, टैन थीटा, जिसको हम लोग टेंजेंट भी बोलते हैं, ठीक है? ये जो स्लोप होता है, यहां पर भी हम लोग वही किए हैं, ठीक है? तो यहां पर वेलोसिटी निकालना है ना, पूछा है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, यहां पर फॉर्मूला नहीं लगाना, इसका स्लोप निकालना है, यहां यहां कितना स्लोप होगा वो निकालना है। तो यहाँ ये कॉन्स्टेंट स्पीड से गया है, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो जितना स्लोप होगा ये भी उतना ही होगा। देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर भी इसका एंगल थीटा ही है, यहाँ पर भी एंगल थीटा ही है, ठीक है? सेम सेम एंगल है, तो इसका वेलोसिटी जो होगा सेम होगा, कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी चल रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए, ये वाला लाइन खींच दीजिए और लिख दीजिए यहाँ पर कि यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, ठीक है? उसके बाद सेकेंड में देख लेते हैं हम लोग, टाइम और ये हो गया, ठीक है? यहां पर इस तरह आप लोगों को देखने के मिलेगा, ठीक है? यहां पर क्या होगा कि बॉडी रेस्ट में है, क्यों? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ा है, ऊपर नहीं बढ़ा है। देखो, यहां से ऊपर जाने नहीं किया है, और ये टाइम बढ़ते जा रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है, तो बॉडी रेस्ट पर होगा। मान लो मैं यहां पर रुका हुआ हूं, ठीक है? मैं यहां पर रुका हुआ हूं, टाइम तो बढ़ रहा है, दो चार सेकेंड हो गया होगा, लेकिन मैं यहां से नहीं हिला हूं,
वही बात है कि ये ऊपर देखो, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का ये लाइन है, ठीक है। ये जितने ऊपर जाएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, और ये जितने दूर जाएगा वहां पर टाइम बढ़ते चला जाएगा, और ये हमेशा बढ़ते रहेगा, ये रुकेगा नहीं, ठीक है। ये रुक सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट रुक सकता है, लेकिन टाइम कभी नहीं रुकता है, ठीक है। तो ये देखिए टाइम बढ़ रहा है लेकिन ऊपर ये नहीं जाएगा, तो ये क्या है, रेस्ट में का रेस्ट ग्राफ है, ठीक है। रेस्ट में बॉडी को रेस्ट में ये बताता है, ठीक है। चलिए थर्ड वाला देख लेते हैं। इसमें होगा कि आप लोगों को देख लीजिए, इस तरह का आप लोगों को ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर होगा कि ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। हो गया, हो गया, ठीक है। चलिए तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहां पर मान लीजिए आप लोगों को ये दे देगा, इस तरह दे देगा, ठीक है। सबसे पहली बात कि इसका जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, क्या देगा, एक्सेलरेशन। इसका जो स्लोप होगा ये वाला, ये थीटा जो निकालेंगे हम लोग टैन थीटा, तो ये हम लोग क्या देगा, एक्सेलरेशन। और ये इस लाइन में क्या है, यहां पर टाइम दे देते हैं, यहां पर वेलोसिटी दे देते हैं, ठीक है। ये जो टाइम थीटा स्लोप निकालते हैं इसका, इस ग्राफ का, तो हम लोग क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। और इस ग्राफ के मतलब बेसिकली इस ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूं, ये स्ट्रेट लाइन गया है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, और स्लोप हर जगह सेम है, स्लोप सेम है, तो ये इसका एक्सेलरेशन जो है कॉन्स्टेंट है, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, स्पीड बढ़ रहा है। देखिये ये ग्राफ ऊपर भी जा रहा है और टाइम में भी जा रहा है, टाइम में भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि स्पीड भी बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ भी करेगा, ठीक है। स्पीड भी बढ़ रहा है यानी एक्सेलरेट हो रहा है बॉडी। तो ये वीटी ग्राफ का जो क्या बोलते हैं उसको, वीटी ग्राफ का स्लोप जो होता है ना, वो हम लोगों को क्या देता है, तो वो हम लोगों को देता है एक्सेलरेशन, ठीक है। ये एक्सेलरेशन लिखा, ठीक है। चलिए ये पहला पॉइंट, इसमें दो पॉइंट होता है, और सेकेंड पॉइंट क्या होता है, इसका जो एरिया होता है, मान लीजिए यहां से निकालिएगा आप लोग, कह देगा इसका एरिया निकालिए इतना दूर का ग्राफ का, ये ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल का आप लोगों को कह देगा एरिया निकालने के लिए, जो भी एरिया निकले, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, जो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ होगा ना, वो हम लोगों को क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट, ओके। चलिए तो ये एक तरह का ग्राफ हो गया, और यहां पर एक और देख लीजिए आप लोग, यहां पर वी, यहां पर टी, ओके। ये हो गया, तो आप लोगों को यहां पर हो जाएगा कि वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, बॉडी रेस्ट में नहीं है। जो आप लोगों को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बताया गया था कि बॉडी रेस्ट में चला गया है, मतलब उसका डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, वो आगे पीछे नहीं हो रहा है, वहीं पर है, तो वो रेस्ट में हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब 10 मीटर है तो 10 मीटर है रुका हुआ है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, उससे आगे नहीं जा रहा, नहीं पीछे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेट नहीं हो रहा है बॉडी, ठीक है। यहाँ पर स्लोप इसका जीरो होगा, स्लोप जीरो होगा, ओके। चलिए ये हो गया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है।
सबसे पहला बात जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का क्या होता है एरिया, वो हम लोगों को क्या देता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया हम लोगों को देता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, क्या हुआ वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ वो हम लोगों को देता है कौन, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया। ओके यहां पर देख लीजिए एरिया ऑफ एटीग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ये वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ ये हम लोगों को देता है एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके बस इसमें इतना ही है, ठीक है। और यहां पर क्या होता है कि ऐसा ग्राफ दिए रहे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है, देखिए यहां पर क्या होता है कि एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी एकदम, मतलब इसका एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है, ठीक है ये एक्सेलरेट करते जा रहा है, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कभी 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसका बढ़ने गिर नहीं रहा है, ये ऐसा ग्राफ रहेगा ना एटी ग्राफ में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, तो यहाँ पर बॉडी बढ़ते जा रहा है उसका स्पीड इतना बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेट हो रहा है बॉडी, ठीक है एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। और आप लोगों को ऐसा ग्राफ दे दे यहाँ पर से, तो ऐसा ग्राफ में कुछ नहीं होता है बॉडी एक्सेलरेट तो कर रहा है लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, ठीक है मतलब मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से चल रहा है तो हमेशा 4 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से चलेगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी हर जगह, ठीक है हर जगह सेम होगा। ओके सब मैंने दो दो बताया। ओके कैसा लगा आप लोगों को ये ग्राफ्स का सेशन पढ़ के, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और जो भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है चलिए हम लोग अब चलते हैं।